नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद परिवार के सदस्य किस तरीके से अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। हम लगातार अपने इस चैनल के जरिए आपको वो तमाम रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार यादव कुनवे में क्या चल रहा है, राजनीति की दुनिया में आखिरकार किस तरीके से यादव कुनवे के वो तमाम सदस्य फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जो सदस्य राजनीति में एक्टिव है। तकरीबन 25 से अधिक सदस्य ऐसे हैं यादव कुनवे के जो राजनीति में एक्टिव हैं। तो वहीं इन्हीं में से एक हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव, जो बीजेपी में है। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अपर्णा वेस्ट यादव को जल्द से जल्द जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए योगी सरकार को। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर फिलहाल ये अटकलें तेज हैं कि नगर निगम चुनाव में उन्हें आगे किया जा सकता है। लखनऊ में मेयर पद की दावेदारी को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। 50 से अधिक नामों की लिस्ट बीजेपी को भेज दी गई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स तक के नाम शामिल हैं। अपर्णा यादव का नाम इसमें टॉप पर बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी मेयर पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर सकती है। खैर, ये तो बात हुई अपर्णा यादव की, लेकिन अपर्णा यादव से हटकर अगर बात की जाए यहाँ पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की संधन कि अपर्णा विष्ट यादव की मां अंबी विष्ट जी के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे कि अंबी विष्ट के पद को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उनके तबादले को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंबी विष्ट से जुड़ी जो खबर सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो यहां पर यही सामने आया है कि प्रशासन काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि अंबी विष्ट लखनऊ नगर निगम में एक अधिकारी के तौर पर जानी जाती हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वह चर्चे में तब आई थी जब नगर आयुक्त से झगड़े को लेकर खबर सामने आई थी। अंबी विष्ट से जुड़ी जो बेहद बड़ी खबर सामने आई है वो खबर ये है कि अंबी विष्ट के तबादले को लेकर शासन सख्त हो चुका है। 6 महीने पहले उनके साथ 2 जोनल अफसरों का दूसरे जिलों में तबादला किया गया था। हालांकि इसके बाद भी अब तक वह लखनऊ नगर निगम में है। निदेशक स्थानीय निकाय ने अब इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और नगर आयुक्त को इस पर तत्काल फैसला लेने का आदेश दिया है, कार्य मुक्त करने का आदेश दे दिया है। खबरों की माने तो यह भी सामने आया है कि शासन ने तबादला नीति के तहत 3 साल से एक जगह तैनात अफसरों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया था। इसमें अंबी विष्ट का नगर पालिका परिषद बाराबंकी और बिन्नू अब्बास रिजवी का अयोध्या नगर निगम में तबादला किया गया था, लेकिन जाए तो यहां पर 4 और अधिकारियों का तबादला हुआ लेकिन निगम प्रशासन ने इन्हें कार्य मुक्त कर दिया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो यहां पर अंबी विष्ट अब भी बनी हुई है और देखा जाए तो यहां पर अब अंबी विष्ट के लिए प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए यहां पर रिपोर्ट मांगकर अब आदेश जारी करने के लिए यहां पर अपील की गई है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अंबी विष्ट के लिए क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अंबी विष्ट ने भी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। अपर्णा विष्ट यादव राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी मां अंबी विष्ट ने भी एक अलग पहचान बना रखी है। उनके पिता जो हैं, यानी कि यहां पर अपर्णा यादव के पिता जो हैं, वह एक पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनकी मां लखनऊ नगर निगम में एक अधिकारी हैं और वह किसी न किसी विवाद के चलते चर्चा का विषय बनती हुई भी नजर आई है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 News।